आप सब, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। चलें जी, इसी के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। जी हमें ना बन के चाय बस दे दियो, क्योंकि भाई अब्बास ना बैठे आ। हाँ जी, नहीं वह कहते मैं चल जाता वा, तो तुम बाइक का जो करना वा ना काम, जो मैं उन्होंने कह रहा भी इस तरीके करना, वह कहते अपनी पसंद का करा लो। फिर मैं क्या अच्छा सू देर हो जानी है, मैं किसी दिन स्पेशल सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम चाहूँगा तो मैं सारा काम करवाऊँगा। ये मैं क्या भी टेंकी टापे भी चेंज करवाने हैं, तो दूसरी चीज़ ये है कि समान नहीं लेना वा ना, तो समान बस उत्थे बैठा वा, हुण ये कल्ले नहीं भेजना है। मैं ना लग जाना, मैं डांटी अज थोड़ी देर इन मैं दिता इन पंगे लवे ओ, तो मैं क्या भी समान मैं तेरे लगा देनी, मैं तू ना पंगे लेना। हाँ नहीं, तेज चला तो हट के भी लोगों नाल मुकाबले ले आके उन्होंने बराबर करके ना बिल्कुल नाल उन्होंने जोड़ के कट्टा मारदा। मैं क्या आंटी हमें इन्ना कर दिया ही बाइक नहीं देंगे, तो पंगे लेंदा। मैं क्या समान मैं क्या डिग जाना वा, पुराना बाइक है तो तुम इस दिन इदा ना करो। मैं हूँ तो ही डेक मैं कभी ना जाना मैंने। हाँ जी देखा सी उन्होंने भाई आसफ की वीडियो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैंने हूँ इन्नी नींद आन रही है ना, कोई नहीं। अच्छा जी, चाय शाय पी ली है। बाइक पे बंदा जब आता जाता है ना तो ये वाली हालत होती है, जैसे वो कौवों का घोंसला नहीं होता, ऐसी हालत बन चुकी होती है बंदे की। समान दे के टक हो जाने समान नु पता हूं मैं बाइक चलाना वा इकल्ले नहीं, मर्जी ना तो मैं इहदे नाल ही लैके जाना। मेरा भी बंदे भाई वा, याद रखी सड़क बनन दी दुपट्टा खोल रख। अच्छा जी, मैं वट्टा के मैं इहदे नाल रल जाना वा, ठीक है ना। उस्ताद उस्ताद ही हुंदा वा, मैं तो पहले ना चलाउण लगा। मैं क्या पियाना, मैं ओ जिहड़ा मोटरसाइकिल नु डंड पाए होया ना, मैं ही चला भन भन दी उहनु अपनीआं कार उस्तादीआं दा पाए आ। अच्छा जी, मैं पहले बिठाउण तो दस्सिआ मैं कि उंगली टुट जावे ओरिजिनल उंगली अगे तरहां दी नहीं बनदी, हथ टुट जावे हथ नहीं बनदा। हाँ जी, इह चीज़ां याद रखो। और जरा हमेशा ना पहुँचने तो बेहतर है 10 मिनट लेट पहुँच जाओ, ये चीज़ मैं पढ़ी सी कार के पिछे। अच्छा हाँ जी, तो चलो किक मारो अपना मोटरसाइकिल बाबा कड्डो, मेरे नवे 125 ते हम खुद जाएगा। नहीं वो असल चाहे ना 1000 किलोमीटर तो बाद जरा वा ना उन्होंने जरा कुछ जोर लगा, तब तक भाई अली नूं बिठाने नाल तुहाडे बाबे दे ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਟਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਮਾ ਲਵੇਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਈਦ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਛੁੱਟੀ। ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੰਘੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਾਂ ਸੇ ਜਬ ਨਿਕਲੇ ਥੇ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਕੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਲੇਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਤੋ हमने चौक आसम से तो पता किया था, भाई नसरुल्ला के वहाँ फ्रेंड हैं, उनके पास बाइक नहीं था मेरा, तो फिर मैंने भाई को बोला था, मैंने कहा यार बाइक चाहिए हमें, तो उन्होंने कहा था बुकिंग करवानी है, बुकिंग करवा लेते हैं आ जाएं आप। तो हमारा जब वहाँ से निकले थे हमें नहीं पता था बाइक यहाँ है या नहीं है, तो जब यहाँ पहुँचे थे बाइक हमें मिल गया था अल्लाह का शुक्र। बाइक एक जो कराची फिटिंग वाला, मैं फिर से बता दूँ, जो है ना वो उसका साउंड बहुत अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी बेस्ट होती है, तो वो हमें मिला है, तो वो हमने परचेज़ किया है। मैं जैसे ही आया वहाँ दो तीन बंदे और बैठे थे, उनको फिर लाहौर फिटिंग वाले या शेखू पूरा फिटिंग वाला मिले हैं। मैंने कहा भैया जो भी हो जाए, चाहे 50 का मिले, 2,50,000 का जो कंपनी रेट है वो 2,15,000 है, हमने लिया है 2025 में। तो मैंने कहा भी जो भी हो, जो कुछ भी होता है होता रहे, हमने आज लेके जाना है। नंबर लगवाने के लिए भी दे दिए पैसे, वो भाई ने कहा सर कुछ मैं खुद करवा के दूंगा। भाई जबीर का जब बाइक लिया था इन्हीं से लिया था, तो इन्होंने नंबर लगवा के दिया था, तो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल, और बाइक हमने ले लिया। अभी हम लोग, मैं एक चीज़ देखूँ, उन्होंने मुझे जो दिया था ना लेटर पैड सा था वो शायद कुछ, हाँ जी ये डिटेल जिसमें हमने बाइक वगैरह लिया है। चलें जी अभी घर चलते हैं, उस्मान भाई को साथ जाना है, पुराने बाइक पे वो जाएंगे, नया बाइक मैं खुद लेके जाऊँगा, क्योंकि उस्मान भाई जो है ना वो थोड़ी शरारतें करते हैं, नया बाइक है और अभी इसकी रनिंग भी होनी है, तो उस लिहाज से जो है ना फिर मैं अपने प्यार मोहब्बत सुकून के साथ लेके जाऊंगा। जी अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। अच्छा एक
भाई लोगों के पास बॉडी स्प्रे पड़ा था, बड़ा लाजवाब था, बड़ा लाजवाब था, बड़ा खूबसूरत, मतलब उसकी फ्रैगनेंस बहुत जबरदस्त। थोड़ा बॉडी स्प्रे पिया से सच्ची बड़ी खुशबू आदि, मैं ला कपड़े हाथ ही लिया वा सच्ची बॉडी स्प्रे जरा ना जिसम से लगाई दवा मैं, वैसे ही मैं प्यारे लगी खुशबू, मैं लगा लिया वा। अच्छा चलो अभी चलते हैं। चल ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी मैं बड़ी मैडम फर्स्ट टाइम बिठा लगा अपने नाल इस बाइक से, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़। ओए ओए व्यूअर, बाइक तो हमने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन फतेहपुर से चौक आज़म आते हुए अभी अल्लाह का शुक्र है रोड बनना शुरू हो तो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हुआ है, तो उम्मीद है कोई 1.5-2 मंथ में बन जाएगा। लेकिन वहाँ जो एक तो वो पानी नहीं सड़क पर फेंकते, बजरी वगैरह वो मिट्टी वगैरह फेंकते हैं जो रोड पर डलती है, तो उस वो जब भी कोई बड़ी चीज़ गुजर के जाती है साथ में, ऐसे मतलब कि कार हो गई या हो गई बड़ी बस कोई गुजर के जाती है, तो वो ऐसे वो कर जाती है ना, यकीन जाने जैसे आंधी नहीं आती बहुत तेज़ आंधी, ऐसे ही बंदा उसमें हो जाता है। तो वो इतनी मिट्टी थी सर में, इतनी मिट्टी थी, अभी जो है ना मैं नहा के दोबारा फिर आई हूँ, अब कोई होश आई है। तो मेरी ये रूटीन है कि मैं सुबह टाइम खाना नहीं खाता और मैं ऐसे ही चला जाता हूँ कहीं आना जाना हो, तो फिर जब मैं खाना थोड़ा लेट खाता हूँ तो फिर सर में दर्द शुरू हो जाती है। आप ही के पास गया था, वहाँ से खाना खाया, खाना खाने के बाद डायरेक्ट हम लोग घर आए और बाइक भी मिल गया, अल्लाह का बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है जी ये बाइक मिल गया। मुझे तो बहुत टेंशन लगी हुई थी क्योंकि बाइक जो है ना अभी और महंगे होने लगे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया हमें, हमारी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अभी मैं इधर आया हुआ था, मैं डेली अपनी जो गंदम हमने बीजी बिजाई की हुई थी ना, जो काश की थी उसे मैं डेली देखने आता हूँ, ये वाली जो गंदम है ना इसे मैं डेली देखने आता हूँ कि कितना टाइम लगेगा इसे, क्या सूरत हाल है इसकी। देख के खुशी भी होती है कि जब मैंने हम लोगों ने ये काश्त की थी ना इसकी हालत बड़ी नाजुक थी, और उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी हो गई है, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बहुत बढ़ के हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे तो बहुत खुशी है, अल्लाह ताला खैर करे जी, अभी वक्त खैर का लेके आए और ये पक जाए, और फिर कुछ दिनों में ये काट के हम लोगों ने खुद ही काट के खुद ही हम लोगों ने डाल के ये थ्रेशर लगा लेनी है। आप ये अंदाज़ा करें यहाँ से देख के, इतनी तेज़ आंधी आई थी, ठीक है, इसकी शाखें जो है ना टूट गई हैं इन दरख्तों की जो नई निकली हुई थी, इतनी तेज़ हवा थी जिस दिन बारिश आई थी उस दिन, ये देखें ये सारी सूख चुकी हैं ये शाखें, और ये देखें नीचे इसकी शाखें टूटी पड़ी हैं, ठीक हो गया, इधर भी देख लें। हाँ जी अम्मी जी आ गया फाइनली मोटरसाइकिल, बहुत महंगा खप गया सी, थोड़ा दिन होगा से खप गया ना, ले लेता ना कल्ले अंदर जो चीज मिलनी होवे ना, जो तो वक्त मुकरर होवे ना, हां उस टाइम ही मिलती है। हां जी बिल्कुल अम्मी जी, चलो अल्लाह खैर करे, मिल गया वा यही बहुत लाख शुक्र अल्लाह दा। हां अल्लाह ताला सोना बरकत नसीब करे ते अल्लाह सोना मेरे पोतनिया। अच्छा जी उस कमरे च जगह नहीं सी है। हाँ जी ये जड़ा है ना ये फिर मेरे कमरे च खड़ा कीता वा। हाँ जी अच्छा जी ये मरकाट जड़े होंगे अंदरों रंग करवा दो ना, एक तो फिर वो गारे वगैरह जड़ा होंगे वा ना, जो मिट्टी वगैरह ना ये खराब नहीं होंगे, तो कलर करवा दी दा अंदरों इन्हू। हाँ जी इन्हें कलर करवा देना अंदरों, अल्लाह खैर। हाँ जी उन्होंने इतों खोलना वा नट बाहर कर लेना वा, अल्लाह तो खैर चलो उन्होंने रंग कर देना वा, इन्नी देर नहीं लगती रंग नाले टेंकी टापे दे चेंज करवा देने। हाँ जी टेंकी टापे दे चेंज करवा देने, नहीं चीज़ा तो नहीं रखनी फिर भी टेंकी टापे में जी चेंज सही है।
हाँ जी चलो अगे भाई बस मर्जी इदा ये ना कोई चीज़ रख भी लो ना एमरजेंसी च कितने बंदा कोई रख रुख भी लवे तो वह खराब नहीं होंगे। हाँ जी ये चीज़ा लाजमी है तो रख देनिया वा नया वा हूँ माशाल्लाह जबरदस्त मिल गया वा। मैं क्या अज लैके ना भाई आवास ने भेजी सी बुकिंग करवा दौ मैं उत्थे क्या मैं पूछिए ही नहीं मैं क्या मोटरसाइकिल है फड़ाओ बस। हाँ जी ओ नहीं एक महीने बाद आना से कह रहे थे उन्होंने कहा पहले एक हफ्ते बाद असं दे दीदा सी लेकिन उन्होंने कॉल की थी पिछे तो उन्होंने जितों लेंदे आ सेंटर चो तो उन्होंने कहा नहीं भाई एक महीने तो बाद मिलेगा 15 तरीक तो बाद मिलेंगे जी तुम हम बुकिंग करोगे। हाँ जी मैं चलो अच्छा बस सही है ये इसका जो कराची फिटिंग से एको ही जो सू पसंद से दूसरे दो खड़े से वह भी वेगे से बैठे बैठे थे उन्होंने भी बुकिंग हो गई सी मतलब कि वह जिन्होंने लेने से ना भाइय ने वो एक आ गए थे एक दूसरे ने कॉल की भी मेरा 1.5 ना बेचो मैं लैन आना पे। हाँ जी एक असी ले लिया से अल्लाह तो खैर सलाह अच्छा जी। हाँ जी बस अपने अपने नसीब लगे असं गए इतों बुकिंग करवाना सानू नहीं पता उत्थे है या नहीं है बस सू पसंद आया असं लै लिया अल्लाह तो खैर सलाह। हाँ जी अच्छा जी फतेहपुर तो साढ़े घर जोड़ा है ना हजे बाजी हमारे की तरफ भी गए सी तकरीबन 60 किलोमीटर 68 किलोमीटर जोड़ा है ना हजे चलिया वा बस आ समान ये तो छापर डाल गया वा क्योंकि आ मखियाँ आगे पैदा वा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अच्छा चलो जी अल्लाह का लख लख शुक्र बाइक मिल गया वा ते चलें जी आज के इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा ओके अल्लाह हाफिज़।